अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक खुश हो तो बेसैट है, खैर खैरियत से हो गए आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आज की जो है दूसरी दिन, एक ही रात था गिलगित में, आज दूसरे दिन स्टार्ट हुआ है। मतलब ऐसे समझे कि फ़र्स्ट दिन है, हम लोग का पहला ही दिन है। ठीक है, तो आज का जो पहला दिन स्टार्ट हुआ गिलगित में, खैर से खलील भाई और जो खालिक भाई है, अजीज़ भाई, वो लोग निकले हुए गाड़ी बनाने के लिए। सुबह के टाइम वो लोग निकल गए गाड़ी बनाने के लिए, क्योंकि गाड़ी में जो इशू है वो था कमानियों का मसला, और दूसरी इशू है मेरे ख़्याल से, हाँ, पीछे का जो जो लोडिंग जगह था उसको क्या कहते हैं आप लोग उर्दू में, खैर जो भी है वो है, बाद में दिखा दूंगा। वो भी बनाने गए थे क्योंकि उसका लॉक टूट गया था, जो स्पेयर कहाँ सॉरी जो स्पेयर का जो जगह होता है ना, वहाँ पे लॉक लगता है, वो टूट गया था लोड की वजह से, वो खुल गया था, तो जो फ्रेम से वो अटैच था वो भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उससे बनाने गए हैं। तो खैर बना के आते हैं, और हम लोग का जो जो रूम था, हम लोगों ने जो टू रूम लिए थे उनमें से एक रूम जो हम लोगों ने चेकआउट करवाया, जो रूम मैं रह रहा था वो 3 बेड्स थे, वो रख रहे थे दोस्त, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो मैंने आके अपने लिए एक दूसरा रूम ले लिया, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा गाड़ी के बनाने में, तो शाम का सफ़र हम नहीं करना चाहते, हम चाहते कि हम सुबह खैर खैरियत से निकलें, स्कर्दू की तरफ से सॉरी स्कर्दू की तरफ निकलें, वहाँ पे अपना कैंपिंग के सारे हिसाब किताब बराबर कर लें, क्योंकि दिन के टाइम आप जाएंगे आपको जगह नज़ारे सारे नज़र आएंगे, और आपको पॉइंट भी मिलेगा जहाँ पे आप अपना कैंपिंग लगा सकेंगे। और खैर से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अभी रूम दिखाने वाला हूँ, जो मैस है वो आप लोग ना देखें, जो रूम आप लोग इस पर फोकस करें, मैस पे कोई फोकस ना करें। तो रूम ये है मेरे प्यारे भाइयों, ये बेड क्वीन बेड, ठीक है, वो दूसरा बेड है, यहाँ पे चीज़ें पड़े हुए हैं, वो मेले कपड़े पड़े हुए हैं, टीवी है, और सबसे बड़ी चीज़ है एसी, एसी भी है, और यहाँ पे जाहिर सी बात है क्रीम और ब्रश परफ्यूम्स मैंने रखे हुए हैं। और ये बात मतलब अभी साफ़ नहीं है खैर, लेकिन सही है, गुजारा है, मुसाफरी जो बंदा करता है तो उसके लिए ये जगह बराबर है। और ये वॉशरूम शावर जगह, यहाँ पे क्लोज़र है, आप अपने अपने कपड़े रख सकते हैं, सब सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी खैर से हम लोग, मैं एक्चुअली यहाँ पे हूँ, इंतज़ार पे हूँ, जब तक खैर से खलील भाई आ जाए तो नमाज वमाज पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं, घर वालों से बात भी कर लूँ, फिर इंशाल्लाह देखते हैं जाएंगे गिलगित बाज़ार की तरफ, वहाँ से कुछ शॉपिंग भी करने, क्योंकि मेरे साथ सीन ये हुआ है ना, मैं आया हूँ दुबई से, मेरा प्रोग्राम यही था, क्योंकि दुबई में जो है ना पाकिस्तानी कपड़े मैं बहुत कम ही पहनता हूँ, मैं असल में एक्चुअली पहनता ही नहीं हूँ, सीधी सी बात है, मैं पहनता नहीं हूँ वहाँ पर, यहाँ पे मेरे पास कपड़े थे पाकिस्तानी कपड़े, तो मैंने अपने लिए पैंट शर्ट्स नहीं लाया, मैं अपने लिए सिर्फ 2 जोड़े लेके आया, तो मैंने यही प्रोग्राम था मेरे के मैं पाकिस्तानी कपड़े पहनेंगे ये, लेकिन दोस्तों ने कहा यार नहीं, हम लोग तो सिर्फ जा रहे हैं, हम लोग तो पैंट शर्ट ही पहनेंगे, फ़िलहाल ढिमकाना ये वो फ़िलहाल। तो खैर यहाँ से अभी मैं ये रिसेप्शन में जो भाई थे उनसे मैंने पूछा था, तो उसने मुझे बताया कि जी हाँ यहाँ पे शॉप्स हैं, मैं आपको बताऊँगा कहाँ से जाके ले लें, क्योंकि एज़ ए टूरिस्ट यहाँ पे आपको जब देखते हैं आप टूरिस्ट से, तो आपको जो प्राइस है वो यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि कल हम गए थे तो एस कॉम है कुछ इसी तरह का सिम का नाम है, तो वो एक्चुअली वो है 350 रुपये के। तो ये भाई जो है हम गए थे वहाँ पे, जब इन्हें मैं आप यकीन नहीं कर रहा आपने, इसने कितना बताया कि 350 है, 350 के बदले इसने बताया 2000 रुपये। तो उसके बाद जो हम लोग जो होटल गए थे रात के टाइम, जो मैंने आप लोग को दिखाया था कल रात को, जब हम लोग होटल में खाना, राशि दरवाज़ा बंद कर लेना, तो जो होटल था वहाँ पे रेस्टोरेंट पे जहाँ पे हम खाना खा रहे थे, तो वो उनसे जब मेरे इसी बात पे जब डिस्कशन हुई, तो उसने मुझे एक मैसेज दिखाया जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, वो मैसेज कहता है जो भी 350 रुपये से ज़्यादा आपको सिम भेजे, प्राइस एक्चुअली प्राइस जो फिक्स प्राइस है वो 350 है, जो उससे ज़्यादा आपको अगर रीसेल करे तो आप लोग बराए मेहरबानी ये हेल्पलाइन पे आप लोग कंप्लेन करें। फिर भी खैर कंप्लेन हम क्या करें, हमने छोड़ दिए तो निकल गए वहाँ से। तो आज हम लोग ने अभी जो खालिक भाई उसने लिए हुए एक, उसने मेरे ख्याल से 1 या 2 सिम उसने ले लिए, सी कॉम का सिम ले लिए, अभी हम इंतज़ार है खलील भाई आ जाए ताकि हम लोग भी बाज़ार जाएँ, कुछ शॉपिंग भी कर लें, अपने कपड़े भी ले लें, और अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत दें, और भी चीज़ें हैं जो देखते हैं और डिस्कवर भी कर लेते हैं गिलगित को ज़रा, क्योंकि यहाँ पे बाहर हल्का सा गर्मी है, इतना नहीं, आप छाँव पे खड़ा हो जाए तो सही है, अदरवाइज़ लेकिन बाहर आप जब निकलोगे, बाहर धूप पे आप जब होगे ना, तो विदाउट मतलब शेडो के आप होगे, तो जाहिर सी बात है धूप बड़ा जलाता है बंदे को,
आप लोग इधर देख ले, मैं खुद ही कल हैरान हो गया, ये देखे दो कलर जो छुपा हुआ था तो वो धूप नहीं लगाए तो सही है, बाकी हाथ जल गए हैं फुल। भाई मैं हैरान रह गया, फेस पे तो सन ब्लॉक लगाया हुआ है तो उसी की वजह से शायद थोड़ा बहुत बचा हुआ हूँ, अदरवाइज़ तो बेड़ा गर्क हो गया हूँ। इंतज़ार करते हैं खलील भाई लोग आ जाए तो इंशाल्लाह उसके बाद निकलते हैं, आप लोग को गिलगित भी दिखा लेते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बता देते हैं। और हाँ एक और बात भी बतानी थी कि हम लोग ने जब रूम चेंज किए थे, वो दो रूम हम लोग ने लिए थे 3 बेड और 2 बेडरूम हम लोग ने लिए थे 5,500 रुपीज़ में, और आज जो ये रूम है ये रूम उठाए हैं पाकिस्तानी रुपीज़ 4,000 रुपीज़ में ये रूम, और वो टोटल 7,000 रुपीज़ बन गए आज का 7,000, कल जो हम लोग ने उठाया था एक दिन के लिए 5,500 रुपीज़। तो कैलकुलेट कर लें आप लोग कितने बन गए आपके, पता है नहीं, 12,500 रुपीज़ फॉर 2 डेज़ स्टे। और हाँ नाश्ता भी किया हम लोगों ने, 3 बंदों ने नाश्ता किया, 3 रोटी 3 ऑमलेट 3 चाय 990 रुपये बने। यहाँ पे होटल के अंदर जो आप लोग मतलब आप लोग नाश्ता मंगवाए जो भी हो, तो उन्होंने बोला चलो खैर है कल का ये, अभी मैं अगर मैंने बता दूं कि भाई इस तरह नाश्ता करना है तो ये लोग गुस्सा करते हैं, कहते नहीं भी बाहर चलते हैं वहाँ पे सस्ता है फिलहाल रिमकान ये वो जो भी हो। खैर तो जब तक खरीद भाई लोग जो आ जाते हैं फिर उसके बाद हम लोग आप लोग से मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो खैर से हम लोग निकले हुए हैं आगे, अभी जा रहे हैं अपने लिए कुछ शॉपिंग करने। यहाँ पे जो है खालिक भाई है, यहाँ पे जो है ये मलिक साहब हैं। हमको अंधेरे में मिला, अंधेरे में आपको अंधेरे में मिला, चेहरे पे अंधेरे है और अंधेरे में ले आते भाई, इसने तो भाई अपना चेहरे का खुद बेड़ा गर्क किया है और हमारे चेहरे का भी बेड़ा गर्क किया। अभी हम आए हैं यहाँ से शॉपिंग करने, तो भाई हम लोग ढूंढ रहे हैं अपने लिए कपड़े, भी देखते हैं कौन से ले कौन से नहीं। अभी जब बंदा है ना बहुत चीज़ें देखता है ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कौन से ले कौन से ना। इसमें लार्ज है आपके पास सर? जी सर, साइज में जाएंगे। लार्ज दे देना इसमें, एक लार्ज दे देना। जैकेट्स कितने के हैं सर? जैकेट्स ये कितने की है जन? ये सर आपको 45 मिनट में मिलेगा, एडिडास 45 में, नॉर्थ फेस 55, नाइकी 45, और ये वाली जो सर ये 35 में मिलेंगी। एडिडास में नॉर्थ फेस में आगे जरूरत पड़ेगा ना, हम चेक कर लें जरा किस तरह सेट है ना। हाँ भाई फुल बराबर, आज का जो व्लॉग है एक्चुअली ना वो शॉपिंग व्लॉग है, आज का जो है फुली शॉपिंग व्लॉग है भाई, शॉपिंग पूरा शॉपिंग आज मैंने अपने लिए, क्योंकि माशाल्लाह मैं जो आया हूँ दुबई से अपने लिए पैंट शर्ट नहीं लाया, उधर नहीं इधर देख ले तू, आया हूँ मैं दुबई से भाई बगैर पैंट शर्ट के, अंदाज़ा आप लगा ले खुद, आया हूँ दुबई से बगैर 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 क्या नाम है पैंट शर्ट्स के, पैंट शर्ट यहाँ से ले रहा हूँ सुबहानल्लाह, ऐसे ऐसे पड़े हुए मेरे पास, लेकिन कहते हैं अकल बड़ी है कि बहस, मैं कहता बहस सर ये भी रखने सर, आगे की इलाका किस तरह होगी सर? आगे उंजल एक वहाँ पे सर्दी है ना, दोपहर को नहीं है। आपका नाम? दानिश। भाई दानिश भाई के साथ है हम इनके शॉप पे, मैं आपके शॉप का नाम
50 मतलब समझे 50% डिस्काउंट है। जो भी हम ले रहे हैं ना बाद में सही चना, वो जो नहीं है पाकिस्तानी जो चना मारते हैं वही चना मारते हैं। सही है ना सर? जबरदस्त गुड, सही है ना? सही है ना भाइयों? बोलो नहीं। तो मेरा चेहरा जला दिया गिलगित के मौसम ने, बहुत खतरनाक धूप है भाई। सनब्लॉक लगा के रखे सर, सनब्लॉक खाली कर दिए कुछ असर नहीं। ये चमड़ा इतनी धूप लगती ही जल जाते हैं। वो एक दोस्त है बड़ा बड़ा भाई। सही है, सही है, नहीं कसम सही है, फिक्स है, सही है ना? हाँ। और शॉर्ट्स किधर गए हैं? और ये ट्राउजर्स, और ट्राउजर्स हैं, ट्राउजर्स हैं साथ में। देखिए ये कलर ग्रीन ही था, सेम साइज होगा सर। और नहीं है इसमें? ये कौन सा लार्ज है स्मॉल है? ये चेक ले ले, कलर एक्स्ट्रा लार्ज है। अरे कब होके चाहिए? मैं तो ले लूंगा, आपको कौन सा लेना है ले लो यार। मैंने क्या करना है, ले लो ले लो ना जो कौन सा है। हाँ यार, ये मेरे एक दोस्त है वहाँ पर, उसकी शर्ट को लिखा हुआ था नो गे नो फैन भाई। और हम जितने भी हमारे कमांडर साहब कुछ लेना चाहते हैं, कमांडर साहब कुछ लेंगे, इंजॉय करो। आज का जो दिन है वो शॉपिंग में गुजरेगी, कल खैर से फिर निकलते हैं हम लोग अपने आगे के सफ़र के लिए, समझ आए? चलें हम लोग ले लेते हैं एक दफ़ा कंटिन्यू, खलास कर लें, ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद भाई दानिश भाई से हम लोग ने शॉपिंग कर ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अखलाक, इतना बिहेवियर, इस तरीके से जो ये लोग हमें वेलकम करते हैं ना, कसम से बड़ा, अभी तारीफ़ करने के लिए कसम से शब्द नहीं है। मैं कसम से सच बता दूँ आपको, बगैर वीडियो का वो मैं आपको सच बता दूँ, अपने बेल्ट नहीं डाली, वेल्डे के लास्ट में भी याद आया, अभी इसके पैसे नहीं है। तो भाई शॉपिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सामान मामान ले लिया हम लोग ने, अभी जाके ट्राई कर लेंगे। इसके बारे में नहीं पता है कि हमारे जो ना क्या खिदमत की भाई ने, वो तो भाई जाहिर सी बात है, मैं कहता हूँ ना शुक्रगुजारी कर रही है, वो भी कम है। तो अभी शॉपिंग हो गई, अभी चलते हैं वापस सलीम भाई की तरफ। ये नहीं सर, रुको देता हूँ मैं, मेरे पास है ना, तेरे पास खुले नहीं है ना? धूप जो है ना बंदे का नक्शा ही चेंज कर देते हैं। वो लेंगे फार्मेसी से, लेके रहा है खुशकी नहीं बैठा रहा थैंक यू जॉनी, इंसान से निकले खुशकी खत्म हो वापस खुशकी। चले शुक्रिया बहुत बहुत, ओके सर, थैंक यू सो मच। इधर इधर राइट राइट किधर जा रहे हो? चप्पल लेना है, चलो किधर? बाटा बहुत आगे, वो उधर है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे भाई हरी भाई को बड़ा चस्क लगा हुआ है शॉपिंग करने का, मेरे ख्याल से पिकनिक का जितने भी ना सामान हो ना ये लेने का, जो हम लोग ये शॉपिंग कर रहे हैं कर रहे कर रहे हैं, आखिर में देखो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से वापस भाई कोयटा के लिए ख़त्म हो गया, बस कोयटा जाएगी कोयटा वापस भाई। अभी आते हैं बाटा की तरफ, सर्विस है ये, बाटा नहीं है सर्विस है, देखते हैं यार चेक करते हैं यहाँ से। चलो देखते हैं भाई यहाँ पर, आ जाए यहाँ पे शूज वूज लेते हैं सर। अगर आपको कोई इजाज़त तो हम लोग वीडियो बना सकते हैं, वीडियो अंदर तो आ गए बहुत ही इजाज़त है, बना दे ये ओरिजिनल स्केचर्स हैं फर्स्ट कॉपी है, कितने की है सर? साइज में सर 42 दिखा रहा हूँ जी सर, दोनों राइट है। अच्छा 42 ये अलग है, वो अलग 42 दिखा रहा हूँ।
जो भी पेड़ भी खुला लग रहा है क्यों यार? हाँ फोर्टी वन भी दिखा दे, ये भी 41 है मेरे ख्याल से भाई। अभी हम लोग ये खालिक भाई ले रहे हैं। खालिक भाई किधर गए? खालिक भाई जो ले रहे हैं ओ खालिक, ये लड़कियों का भेजान उस तरफ है। नहीं नहीं बच्चों का नहीं, वो उस तरफ है देख लो। तेरे साइज वो ले लेना अपने लिए। ओ लाला उस तरह के शूज ले लेना। ओरिजिनल तेरे पैर में जाले मुझसे नरम भी तू ढूंढ रहा है। ये देखो भाई ओरिजिनल पैरों पे उम्र लगा हुआ और ढूंढ रहा है। ये भी बड़ा, पेट भी बड़ा, मुंह भी बड़ा, हैरान है कौन जगह छोटा। सामान सिर्फ अपने कपड़े वगैरह उठा लेते थे, गाड़ी भी रिलैक्स होते थे, पीछे सिर्फ डीजल उठा लेते थे, बकाया सामान को छोड़ते थे। कैंपिंग की तरफ फुल अंदर ग्राफी वगैरह सब बहुत तो है। चलो भाई क्रॉस करो, रोड क्रॉस करो, होटल आ गए। आगे से गाड़ी ना उड़ा दे, कैमरा पकड़ पकड़ के भाई पता भी नहीं चले कि बंदे ने आगे से ठोक दी है। कहते हैं पहुँचे गिलगित को, आगे हम लोग ने कोई और जगह नहीं देखा, यहीं से जल्दी आओ भाई। हम लोग भाई खैर से पहुँच गए सेवनी गेस्ट हाउस, और ये गेस्ट हाउस वाले जो लोग हैं यहाँ पे ना, बस अभी बंदा सामने आ गया, अभी कुछ नहीं करना, चुप होना। बस ले लिए पैंट शर्ट सारे कमीशर वाला है। हाँ सही थे यार, बड़ा जबरदस्त दानिश भाई, बहुत थैंक यू सो मच यार, शुक्रिया। सबसे बड़ा जो हमारे शाहरुख खान भाई को जाएंगे। चलो भैया चलते हैं रूम की तरफ। सभी की तरफ यार एसी भी चालू कर यार, इन्हें बता देना कि ये क्या किया, एसी क्यों काम नहीं कर रहा है, एसी काम नहीं कर रहा है। ये सही चीज़ नहीं है, एसी अभी क्यों नहीं काम कर रहा है। बुला लेते हैं भाइयों को, भाई कहते हैं भाई एसी काम नहीं कर रहा, ये क्या सिस्टम है यार, नहीं हो रहा है ऑन नहीं हो रहा है, वो एसी काम नहीं कर रहा है। अच्छा तो वहाँ पे नहीं है, अंदर से तो नहीं है, बाहर से नहीं, ज़रा पूछ लूँ। ये बिजली की आवश्यक है, जनरेटर चालू हुआ है। हाँ अच्छा 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 पता चल गया रीज़न पता चल गया हमें भाई। भाई शॉपिंग वॉपिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है चीज़ें पड़े हुए यहाँ पे, जाके फिर धोबी को देने ये कपड़े, ताकि कल हम एटलीस्ट ये लोग हमें दिलवा दें जो कपड़े हमारे जो मेले कपड़े वो हमें वापस दिलवा दें लोग। तो ये किस्से और ये कहानी है, और यहाँ पे है खालिक भाई, राशिद और कामरान भाग गए हैं भाई, वो लोग कमरे में। सच्ची कमरे में मोबाइल उठा, हाँ मेरा मोबाइल उठा ना, कौन छोटा बड़ा दोनों उठा लें भाई। हमारे बंदे बैठे हुए हैं कमरे पे, जरा छापा मार लें इनके ऊपर। भाई हमारे जो ग्रुप में एक बंदा है ना, सबसे बड़ा मलंग बंदा, और एक जो है ना बस उसको बस और ये जो बंदा है ना, आज हमारा अमिताभ, हमारे बलूचिस्तान के अमिताभ बच्चन साहब हमारे साथ हैं। ओ भाई उनसे दे दो। चलो भाई मिलते हैं थोड़ी। तो दोस्तों और भाइयों अभी हम लोग निकले हुए हैं, रात के 10:13 निकले हुए हैं रोटी के लिए, खाना खाने गए, और अल्लाह राम करे आगे एक्सीडेंट भी हुआ है, गाड़ी वाले ने टोक दिए मोटरसाइकिल को, कि मोटरसाइकिल वाले ने गाड़ी को टोक दिए, लेकिन नुकसान तो जाहिर सी बात है उसकी हुई है, नुकसान तो मेरे ख़्याल से मोटरसाइकिल वाले की हो गई। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह
हिफाजत कर। सही ज़बरदस्त अंधेरा, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा है। खैर अंधेरे में ही आप लोग को हम लोग अले कहा आप हमें ऐसे लेके जा रहे हो, अचानक से खड्डा आ जाए ना और हम गिरे इस गाड़ी में। हाँ यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और रश कश भी है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह वहाँ करे, बेचारा सही है। वो मोटरसाइकिल वाला अच्छा कुछ। और ये जो दीवार देख रहे हैं आप लोग सामने, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ तक शुरू है। ये कैंप हल्का सा लाइटिंग आता है ना यार, अंधेरा है। मेरे ख्याल से मैं जाके रेस्टोरेंट में भी कंप्लीट कर लेता हूँ ब्लॉग को, क्लिप को। एक तो अंधेरा भी है, ऊपर से शोर शराबा भी बहुत है ना। मोटरसाइकिल वाला भी, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल जो भी है, बगैर सिलेंसर के हिसाब किताब में लगे हुए हैं भाई। ट्र 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 चले भाई।